उसने भी कुछ इंग्रेडिएंट्स निकाला तो मैंने भी अपना कैमरा निकाल लिया। ओ देखिए, दूर से हाथ हिलाते हुए तो चलिए। हेलो चैनल, वेलकम बैक टू आवर गाइस। तो चलिए देखते हैं क्या, जहाँ कुछ हुआ नहीं आजकल कैमरा हाथ में उठा लेते हैं। यस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल पर बने रहिएगा, कितने सारे ट्विस्ट आ रहे हैं देखने के लिए। कई ट्विस्ट के चक्कर में डिशी ना बदल जाए, लास्ट तक कुछ बने और ही और बोलेंगे। बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे तो बने रहिएगा जरूर अंत तक, प्लीज बने रहिएगा। हमको आता है बनाने, हम बनाएंगे जरूर और आप देखिए। चलिए क्या बनेगा रेसिपी, थोड़ा बता दो डिश का नाम प्लीज। सस्पेंस। ओके बने रहिएगा। अरे रुक जाइए, बाई चांस आपको अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा खोदा पहाड़ निकली चूहिया टाइप हो जाएगा। मैं कलाकंद ही बना रही हूँ तो ज्यादा कुछ लगेगा भी नहीं। ओ, घर में थोड़ा दूध बच गया था। हाँ। आज मैं सुबह बोल रही थी कि दूध बहुत सारा बच गया है। हाँ। तो इसलिए कलाकंद गुड डिसीजन कि दूध भी खत्म हो जाएगा, ज्यादा संभाल सकती है। नहीं संभालूंगी मैं तो, तुम ही संभालोगी। तो चलिए, घर में अवेलेबल बस 3 इंग्रेडिएंट्स से कैसे बन जाते हैं कलाकंद देखिए, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ मैंने 500 ml दूध लिया है और पनीर लिया है। अगर पनीर ना हो तो आप और 500 ml को आप छेना में कन्वर्ट कर लीजिए और बस मिल्क पाउडर से ही बन जाएंगे आपके यमी कलाकंद। एकदम ईजी रेसिपी है, तुरंत बन जाएगा। तो छोटू कैमरा हाजिर है एंड द नेशन वांट्स टू नो। लेकर पहुंच जाओ साइट पे, नेशन वांट्स टू नो। पहले साइट पे कैमरा लेकर रिपोर्टर पहुंचा नहीं दूर से, नेशन वांट्स टू नो। नेशन वांट्स टू नो व्हाट्स कुकिंग। ओ ये तो मिल्क इज कुकिंग। मेरा औकात देखकर समझ गई इससे ज्यादा क्या ही बना भाई। लेकिन छोटू चम्मच थोड़ा ज्यादा छोटू है, चम्मच थोड़ा ज्यादा छोटू है। हमको हाथ मिला नहीं ना। अरे ये बात अलग है, हर चीज पर टोक देती है। अच्छा नहीं नहीं करो क्या, नेशन वांट्स टू नो व्हाट्स कुकिंग। हम बता रहे, रुको ये क्या बोलते हैं, देखो हम रेसिपी तो यूट्यूब से ही देखे हैं और डालेंगे भी यूट्यूब में ही, तो यूट्यूब से लिया हुआ सामान यूट्यूब में वापस करेंगे लेकिन विद अ ट्विस्ट। ओके, जो कलाकंद है ये आजकल मेरे उसके बाद मेरा वाला है कलाकंद विद अ ट्विस्ट की। okay. दूसरे यूट्यूबर्स कलाकंद बना रहे हैं ऐसे, वो बड़ा वाला इससे हम लोग को दिखाते हैं, इससे वो लोग बनाते हैं ना, मैं चम्मच से बनाई। ओह दैट इज विद अ ट्विस्ट, यही मेरा ट्विस्ट है। ओके, ताकि लोगों को लगे कि रेसिपी में कोई ओरिजिनलिटी भी है। ओके, ऐसा होना चाहिए। ओके, मैं इससे बनाऊंगी। ओके, ग्रेट छोटू, ये ना है तो वो क्या करे बेचारा, वो कलाकंद नहीं खाएगा। अच्छा रेसिपी बोल, वो इससे खाएगा। और एक ट्विस्ट है, और एक ट्विस्ट देना होगा। कलाकंद के ऊपर तो लोग पिस्ता डालते हैं। अब पिस्ता है नहीं, पिस्ता घर में है नहीं, और हम लोग खरीदते भी नहीं है क्योंकि पिस्ता काफी महंगा आता है। तो हम लोग आमंड से उसका वो कर दे, क्या बोलते उसको ऊपर में जो डालते हैं गार्निशिंग, वो कर दे। ट्विस्ट है काफी रेसिपी में, बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आइए, तो दूध में उबाल आ चुका है, आगे देखते हैं। अभी कैमरा में बोलने के चक्कर में थोड़ा अच्छा, तो आगे देखते हैं आगे रेसिपी क्या है। और इन्हें दिया है बच्चों वाला काम, ये पनीर ग्रेट कर रही है। मतलब क्या है ना कि जो थोड़ा कम एक्सपीरियंस्ड कुक है जैसे कि ये, तो उन्हें ये सब ग्रेटिंग का काम दे दीजिएगा, और जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो मतलब कलाकंद पे मेन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूध उबल रहा है, पनीर रेडी है, जल्दी रेसिपी में आगे बढ़ो, मेरे व्यूअर्स का टाइम मत बर्बाद करो, जल्दी। हम दो जब किचन में है तो मजाक चलते रहेगा, लेकिन रेसिपी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो बन रहा है कलाकंद, उसके लिए आपको चाहिए मिल्क, वो 500 ml आप ले लीजिए मिल्क, और चाहिए आपको पनीर। तो अगर पनीर आपके पास नहीं हो तो आप मिल्क को जैसे छेना भी बना ले सकते हैं, दूध से छेना बना लीजिए तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और थोड़ा चाहिए मिल्क पाउडर, बस इतने से ही बन जाएगा कलाकंद, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बस इधर मैं बोल रही हूँ और फिर देखिए उधर कुछ नहीं मिल रहा, उसको ढूंढ रही है चम्मच, खटर पुटर, फिर चम्मच क्या होगा चम्मच से। अरे मम्मी कहती है इतना सारा बर्तन निकाल देती हूँ ना इसलिए चिढ़ जाती है, धोना पड़ता है।
क्यों डिस्टर्ब कर, घी घी कैमरा रुको ना यार, हम रेसिपी का वो बता रहे हैं प्रोसीजर कि ऐसे पैन में इधर फोकस करो, तुम जब करते हो हम इतने अच्छे से फोकस करके देते हैं। अच्छा चलो चलो पैन में फोकस करते हैं। पहले थोड़ा सा पैन में हम लोग घी डाल लेंगे। अब इसमें डालना है दूध धीरे धीरे, इसमें हमने करीब 500 ml दूध यूज किया है। इसमें हम एक कप चीनी मिला देंगे और चीनी के घुलने तक इस मतलब इसको हिलाते रहेंगे। और अगर आपका जो है ना मिल्क पाउडर, इसमें तो मिल्क पाउडर भी डलेगा, तो अगर आपका मिल्क पाउडर थोड़ा ज्यादा मीठा है या फीका है तो आप उस हिसाब से चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि लम्स फॉर्म ना हो। आप चाहे तो मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। और ना मिल्क पाउडर देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर देता है। तो जब हमारा ये दूध गाढ़ा हो आएगा तब हम इसमें पनीर मिला देंगे। अब जो पनीर हम ग्रेट करके रखे थे हम उसे धीरे धीरे इसमें डाल, अब बस पनीर को डालने के बाद इसको चला के हमें दूध को पूरी तरह सुखा देना है। अब इसमें गया इलायची पाउडर। ऐसे जब आप कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे ये बहुत थिक हो जाएगा और जो पनीर जो है वो मिल्क को सोक कर लेगा। तो फिर ऐसे इसको देखिए, अब ऐसा कंसिस्टेंसी बनेगा, काफी क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसमें, और ऐसे दरदरा जो कलाकंद का जो रहता है ना वो ऐसे हो जाएगा, काफी क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका। इस पॉइंट पे इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहिएगा, नहीं तो नीचे से लग जाने का डर रहता है। और देखिए जब ये धीरे धीरे पैन को छोड़ने लगेगा, ऐसे पैन को छोड़ने लगेगा जब ये, तब समझ जाना है कि ये बन चुका है। अब इसको केक मतलब केक टिन में या जो भी वेसल में सेट करने का टाइम आ गया है। तो अब इस मिक्सचर को हम किसी केक टिन में या कोई भी डब्बा हो, जैसे टिफिन डब्बा होता है स्टील का, किसी भी डब्बे में जैसे सेट कर सके आप, तो उसमें हम डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा चम्मच से ऐसे प्रेस करके जैसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पूरे अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हो, काजू हो, आमंड हो, पिस्ता हो, ये तो डेकोरेशन के लिए है, उसे डाल देंगे तो इसका लुक अच्छा आएगा। तो इसे डाल के हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। बस थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाए तो आप इसे ऐसे नाइफ से पीस पीस काट के, जैसा आप पीस चाहे काट के इसको निकाल लीजिए। तो बस रेडी हो गया, बहुत इजीली बहुत कम टाइम में रेडी हो गया। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, और खाने में तो और भी स्वाद है। आप बना के हमको बताना ज़रूर। घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स ही बन जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।